लव स्टोरी और बॉलीवुड का तो बहुत पुराना नाता है। आए दिन कई ऐसे लव स्टोरीज सुनने को मिलती हैं जिन्हें सुनकर हम हैरान हो जाते हैं। आज हम आपको अपनी इस लव लाइफ की स्टोरी में बताने जा रहे हैं रानी मुखर्जी और उनके पति आदित्य चोपड़ा की लव स्टोरी के बारे में। बताएंगे कि कैसे इन दोनों के प्यार की शुरुआत हुई। तो चलिए जानते हैं पहली शादी टूटने के बाद आदित्य ने रानी को कैसे किया इम्प्रेस। आदित्य ने एक इंटरव्यू में बताया कि रानी और आदित्य की फर्स्ट मीटिंग एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां आदित्य ने रानी को देखा और वहीं उनको प्यार हो गया। लेकिन आदित्य उनसे बात करने नहीं गए, वो सोच रहे थे कि रानी खुद उनसे मिलने आए, लेकिन ऐसा कुछ ना हो पाया। उस टाइम आदित्य के साथ करण जौहर भी थे और तभी उन्होंने करण को कहा कि वो रानी को फिल्म कुछ कुछ होता है में कास्ट करेंगे। इससे पहले आदित्य फिल्म राजा की आएगी बारात में रानी की एक्टिंग देख चुके थे और वो उनकी एक्टिंग से काफी इम्प्रेस भी हुए थे। ऐसे ही दोनों में प्यार हो गया और काफी टाइम तक दोनों रिलेशनशिप में भी रहे। खबरें तो ये भी आई थी कि इन दोनों ने 2 साल तक लिव इन में रहने के बाद शादी जैसे मुद्दे पर फैसला लिया था। दोनों के रिलेशन की खबरें तो बहुत आती थी पर दोनों को एक साथ बहुत कम स्पॉट किया जाता। लेकिन आपको बता दें आदित्य पहले से शादीशुदा थे। कहा जाता है कि शादी के बाद आदित्य और पायल 6 महीने तक हनीमून पर रहे थे। दोनों ने पूरी दुनिया घूमी। शादी के 6 साल बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई और दोनों में बहुत झगड़े भी होने लगे, जिस वजह से आदित्य ने पायल से डाइवोर्स ले लिया। इनका रिश्ता टूटने के बाद ये भी खबरें सामने आई कि आदित्य की शादी टूटने की असली वजह रानी थी। बात इतनी बढ़ गई कि यश चोपड़ा की फैमिली भी रानी को ही आदित्य का घर टूटने की वजह मानने लगी और पायल का ही साथ देने का फैसला किया। लेकिन इस बात से आदित्य नहीं माने। फैमिली का प्रेशर होने की वजह से आदित्य ने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और होटल में रहने लगे। इस बात से आदित्य के घर वाले बहुत परेशान हुए और लास्ट में उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली। और साल 2014 में अचानक रानी मुखर्जी और आदित्य ने छुप छुपा कर शादी रचा ली और जिसकी वजह से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री शॉक्ड में आ गई थी। दोनों शादी के बाद भी लंबे समय तक साथ नहीं दिखाई दिए। यहां तक कि आदित्य ने एक बार रानी को 1.25 करोड़ की ऑडी कार भी गिफ्ट में दी थी। रानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब आदित्य पहली बार उन्हें डेट पर ले गए थे तो घर आकर मेरे पेरेंट्स से पूछा था कि क्या मैं आपकी बेटी को डेट पर ले जा सकता हूँ। मैंने आदित्य को तब डेट करना शुरू किया था जब उनका तलाक हो गया था। वो मेरे लिए भगवान शिव की तरह है जो हमेशा शांत रहते हैं, जो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं। वो खुश रहते हैं और उन्हें देखकर मैं भी खुश रहती हूं। और अब भी दोनों एक साथ हैं और खुश हैं। और दोनों की एक बेटी है जिनका नाम है अदीना चोपड़ा। तो बॉलीवुड के ये कपल की लव स्टोरी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपने राय जरूर लिख बताइएगा। एंटरटेनमेंट डेस्क से दीक्षा ठाकुर की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।